तो सुबह के 5 बजे का टाइम है नाजरीन, मोटरवे के व्यूज चेक करें और मौसम चेक करें कितना मज़ेदार मौसम है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? BFG व्लॉग में आपका मेज़बान सैयद उमैर अख्तर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आज हम आपको सैर करवाएंगे शोगरा की, और शोगरा के जो करंट रोड सिचुएशन है और अपनी गाड़ी में जा सकते हैं या जीप में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे इंशाल्लाह। और आज के सफ़र में, आज की सैर में हमारा साथ दे रहे हैं नईम भाई। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेके जाएंगे शोगरा और उधर की सैर कराएंगे और उसके अच्छे अच्छे पॉइंट आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारा एक बब्बर शेर सोया हुआ है, देखिए वो सोया हुआ है। बेसिकली तौर में रात से जो है ना, वो हमने तकरीबन 1 बजे हम लाहौर से निकले हैं, और लाहौर से जब हम 1 बजे निकले हैं तो अभी हम तकरीबन 6:15 बजे हज़ारा मोटरवे में एंटर हो रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोग अगर नारान शोगरा जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रोड पर सवात रोड पर चले जाते हैं। तो सवात रोड जो है वो कलाब वाली साइड पे जाती है और हज़ारा मोटरवे जो है वो नारान वाली साइड पे जाती है, और इसीलिए आपने हज़ारा मोटरवे से जाना है और ये रास्ता सबसे आसान है। बाज़ लोग हैं वो मुजफ़्फ़राबाद से होके जाते हैं, वो बहुत रास्ता ख़राब है और गंदा रास्ता है, वो रोड ठीक नहीं है। तो मेरा मशवरा है कि आपने हज़ारा मोटरवे से जाना है नारान कगाम वगैरह से के लिए। और हमीद भाई हमारे जो हैं हर तरह की तरह माशाल्लाह आज के दिन भी, कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं नाजरीन, अभी हम जो है सुबह सुबह पहुँच चुके हैं हज़ारा मोटरवे पे और अभी हम ढूंढेंगे अपना नाश्ता, तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। ये नाजरीन हमारी है हज़ारा मोटरवे जो जाती है बालाकोट, बालाकोट से हमने जो है वो जाना है, बालाकोट से रोड जाती है कवई नारान की तरफ। तो अभी हम हज़ारा मोटरवे में हैं और अभी हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे इंशाल्लाह शोगरा तक की सारी रोड की कंडीशन भी और हर चीज़ की आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको हम हज़ारा मोटरवे के नज़ारे करवा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के।
हाजरीन हम जो है ना वो टनल दिखाते हैं, हजारा मोटरवे की टनल है ये। तो इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर के हिसाब से है पर आवर। इस टनल में आप अपनी स्पीड 60 किलोमीटर की स्पीड से 1 आवर के हिसाब से रखनी है आपने। इसकी जो लंबाई है इस टनल की वो है जी 1724 मीटर। 2, 3, 4 जगह लिखा हुआ है कि जी आप अपनी स्पीड स्लो रखें, और अगर रात का टाइम है तो टनल में रोशनी मध्यम रखें। ये भी दिन के व्यूज हैं और बड़ी प्यारी लाइटिंग की भी है। इतनी प्यारी माशाल्लाह जो है ना वो टनल आई है। नहीं जी, यहाँ से टनल जो है वो टनल का इख्तिताम हो रहा है और ये हम टनल से बाहर निकलने लगे हैं। जी ये नाज़रीन व्यूज़ चेक करें, हज़ारा मोटरवे के प्यारे प्यारे व्यूज़ चेक करें। और ये नाज़रीन दूसरी टनल है हज़ारा मोटरवे की, ये दूसरी टनल भी हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों के दरमियान चीर के काट के और ये टनल बनाई है, और जो घंटों का रास्ता था वो चंद घंटों में हो गया, जो 5 घंटे का रास्ता था वो 1 घंटे का हो गया। और अप्रिशिएट करना चाहिए जिस गवर्नमेंट ने ये बनाया है। पे हम, और अगर आपने एटाबाद जाना है तो ये लेफ्ट का आपको एरो का निशान नज़र आया होगा और आपने यहाँ से टर्न कर लेना है लेफ्ट टर्न पे। काम आ गया है, हज़ारा मोटरवे का क्या काम आ रहा है जी, आपको दिखाते हैं अभी हम। से फ्यूल अपना जो है टैंक फ्यूल करवाएंगे फुल। खुराक महल यहाँ पे भी आ गया जी, मलाकंड स्वाद। जी नाज़रीन तो ये है हज़ारा मोटरवे, ये है हज़ारा मोटरवे।
ना वो टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर लिया है। अब आगे जो है ये टनल क्रॉस करेंगे, टनल के बाद जो है ये मोटरवे जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ये एक टनल आई है अभी, अच्छा अभी हमने आगे से मोटरवे चल रही है, नहीं मोटरवे चल रही है ना, हमने आगे 13 किलोमीटर आगे बालाकोट का बोर्ड आएगा और वहाँ से जो है वो नारायण रोड पे हमने राइट होना है, बालाकोट से होते हुए जाएंगे। और ये टनल आ गई नांदर, ये मानसरा टनल आ गई है। ये जी नाजरीन ये जो है ना वन वे टनल है, क्योंकि यहाँ से मोटरवे ख़त्म है अब, यानी कि मोटरवे का टूल प्लाजा ख़त्म हो गया है ना, तो अब ये एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो गई है। तो ये टनल जो है ये वन वे है, तो मतलब कि एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है और एक तरफ से जा रही है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एहतियात से चलानी चाहिए। अमित भाई कहते हैं मैं समझा इधर अंधेरा है, तो वो तो बाद में ख्याल आया, मैंने तो ऐनक लगाई हुई है। तो और क्या भाई, रात के जाग रहे हैं और सफ़र में हैं तो फिर हो जाता है। लें जी दोस्तों ये टनल भी ख़त्म हुई। आप ये बोर्ड देख लें नाज़रीन, जब आपने मानसरा क्रॉस करना है, मानसरा का टूल प्लाजा क्रॉस करना है, तो 13 किलोमीटर आगे ये बोर्ड आएगा। तो ये थाकोट है सीधा जाने के लिए, ढोडियाल है लेफ्ट जाने के लिए, और बालाकोट है राइट जाने के लिए। और जिसने नारायण जाना है वो राइट टर्न करेगा बालाकोट जाने के लिए, बालाकोट से होते हुए नारायण और शोगरान का रास्ता आता है। और अभी हम नाज़रीन आपको दिखा भी रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो रोड है 13 मानसरा का टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद 13 किलोमीटर के बाद ये आप टर्न देख लें, बालाकोट का बोर्ड आएगा और राइट में टर्न होगा। और ये नाज़रीन रास्ता जा रहा है बालाकोट की तरफ, और बालाकोट से होते हुए ही हम खगान नारायण रोड वो सामने देखे जाएंगे। जब आपने ये राइट टर्न करना है तो ये छोटी सी शॉप्स काफ़ी सारी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, आपको आइडिया हो जाएगा। नाज़रीन अभी हम बालाकोट की तरफ, जहाँ से हमने 13 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको तय किया है और राइट टर्न लिया है, और जब राइट टर्न लिया है तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्याज की कॉस्ट हो रही है, तो हमने कहा हम नाज़रीन को दिखाएँ कि ये देखें प्याज के जो हैं खेत दिखाते हैं आपको। देखिए लोग यहाँ पे इसकी कटाई वगैरह कर रहे हैं, देखिए नाजरीन ये क्या काट रहे हो बेटा, शर्मा रहे हैं। देखिए नाजरीन ये प्याज पैकिंग हो रही है तोड़ों में। देखिए नाज़रीन ये प्याज इसको करते हैं, निकालते हैं और इसके जो जड़े निकाल के और इसको थोड़ा सा सुखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं? क्या रेट है प्याज का आजकल? 500 रुपया थैला दस्ते है। ये एक थैले में कितना होता है जो 500 रुपए का आप देते हैं? 12 किलो होता है। प्याज की फसल ज्यादा होती है यहाँ पे? ज्यादा होता है। यहाँ का प्याज अच्छा होता है? अच्छा होता है। मेहनत कर रहे हैं ये लोग,
से गुजर रहे थे तो ये बालाकोट के रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे जो हैं ये जो तुर्की दुम्बे हैं ये वो हैं। और इनके अंदर एक गधा भी है। नाज़रीन बालाकोट के दिलकश मनाज़र ये देखें जी, हमारे नईम भाई हैं और नईम भाई भी रात के जागे हुए हैं। अभी तक हम शोगरा नहीं पहुंच सके हैं, अभी भी एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा। क्यों नईम भाई, आज आपने BFG की शर्ट पहनी है। हाँ जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये अब इससे भी अच्छा महसूस करेंगे, ये सब लोग पहने इंशाल्लाह। हम इसकी गिफ्टिंग करेंगे जब उधर पहुंचेंगे। ठीक है, लोगों से सवाल करेंगे और BFG का लोगो तो दिखाएं जरा। आज नईम भाई ने BFG व्लॉग्स की जो है ना वो टी शर्ट पहनी है। और हम जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ, बालाकोट से होते हुए शोगरान। पहले कवई आएगा फिर शोगरान। जैसे ही हम बालाकोट की तरफ जा रहे थे तो बालाकोट से जो है वो उसकी खूबसूरती जो है वो नज़र आना शुरू हो गई थी। पहाड़ों की जो खूबसूरती है नारायण जाते वक्त आपको बालाकोट से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम बालाकोट की तरफ ऊंचाई की तरफ जा रहे थे वैसे ही इसकी खूबसूरती में इजाफा बहुत ज्यादा होता जा रहा था। और इसकी खूबसूरती इन दरख्तों की, इन पहाड़ों की खूबसूरती जो है वो दिल को जो है वो सुकून दे रही है। नाज़रीन कैसे कैसे मज़ेदार किस्म के जो है ना वो व्यूज़ है। ड्राइविंग का भी अपना ही मज़ा चाहती है। हाँ जी, इस रोड पे ड्राइविंग का अपना ही मज़ा है, स्लो ड्राइविंग का मज़ा है इस रोड पे। ऐसे लगता है जिवें जनरल स्टेज आई। आप चलाते भी ना इस रोड पे कभी तो आपको ऐसे लगता है? मैंने जब कलर कार चलाई थी जब मैं तो देखिए जी कितने कितने ऊंचे पहाड़ हैं जी और बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना वो दरख्तों का ऐसा व्यूज आता है ना जब हम पास से इसके गुजरते हैं ना फिर मजा आता है यहाँ पे पहाड़ों में आने का। फिर ये कहते हैं कि पहाड़ हैं वो ये कहते हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा है। क्यों सीजा? दिल ये पुकारे आजा इस गम के सहारे न जा। सुना सुना सा जहां अब जाऊं मैं कहां बस इतना मुझे